Good morning, everyone. In the last class, we have discussed about the introduction to trigonometry, in which we discussed different types of ratios of trigonometry. उसमें मैंने एक छोटी सी नोट आपको लिखवाई थी. क्या लिखवाई थी? If the size of the triangle changes, still the trigonometric ratio remains same. When will the trigonometric ratio change? Trigonometry का ratio तब change होगा, that is sine का value, cosine का value, cot का value, tan का value. When will this value change? ये value तब change होगा जब आपका एंगल चेंज होगा, है ना. जैसे आपका एंगल चेंज होगा वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का वैल्यू चेंज होगा. अदरवाइज इफ योर ट्रायंगल इज स्मॉल, इफ द ट्रायंगल इज बिग, स्टिल इफ द एंगल रिमेन्स सेम, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम. ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया था वो ये था कि जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल चेंज होगा उसका वैल्यू चेंज होगा. ठीक है, उसका वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसका एंगल चेंज नहीं होगा. ठीक है, if you are not in a position to recall, just go back, watch the video again and then come back. Okay, to aaj ki class mein hum discuss karne wale hain agar uska value angle pe change ho raha hai to kya main kisi specific angles pe uski value nikal sakta hu. Okay, so today's class what we are going to discuss is nothing but value of trigonometric ratios at specific angle. Value of trigonometric ratio, trigonometric ratio in trigonometric ratio at specific angles, at specific angles, है ना. ये आपका आज टास्क है, हम आज ये चीज करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा, इससे आपको कैसे यूजफुलनेस होगी, कैसे यूजफुल रहेगा. जैसे कुछ मान लो, आपको पता है कि जब साइन को मैं मान लेते हैं 37 डिग्रीज लेता हूँ, है ना. मुझे पता है जब भी मैं साइन को 37 डिग्रीज लेता हूँ तो उसका वैल्यू 1/2 मुझे आता है. ठीक है, 30 मान लो, चलो सही चीज ही बताओ ना, आपको गलत क्यों बताओ. तो साइन ऑफ 30 डिग्रीज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, आपने एक ट्राइंगल लिया जिसमें आपने इसको 2 सेंटीमीटर बनाया, इसको 1 सेंटीमीटर बनाया, तो आपको ये पता चला, चलिए आपने इसको 1 बनाया, इसको 2 बनाया और उसके बाद आपने इसका एंगल मेजर किया, तो एंगल मेजर करने पर पता चला 30 डिग्री है. ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने एक बड़ा ट्राइंगल बनाया बट इसमें आपने क्या किया, साइड्स को मेजर नहीं किया, आपने सिर्फ एंगल को कॉन्स्टेंट रखा. आपने क्या किया, एंगल को कांस्टेंट रखा, तो आपने बोला मैं 30 डिग्रीज पे दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उनको ज्वाइन कर लेता हूं. तो इससे आपको ये चीज श्योरली रहेगी, ये चीज हमेशा फॉलो होगी कि अगर ये आपका एक्स है तो ये वाला जो लेंथ है ये 2x हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मुझे 30 डिग्रीज पे लाइन बनाना है तो मुझे इतना मेक श्योर करना है कि ये हाइट एक्स सेंटीमीटर है, तो ये जो इसकी हाइपोटेनस का लेंथ है वो 2x होगा. ठीक है, फिर ये कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ये चीज वैलिड होगी. ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, कितना भी बड़ा हो, तो मुझे ये चीज पता है कि अगर मुझे एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी मुझे हाइट 100 चाहिए तो मुझे इसका हाइपोटेनस बनाने के लिए 200 लेंथ की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ये है. व्हाट इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज इफ आई नो द वैल्यू एट अ स्पेसिफिक एंगल, सो आई विल ड्रॉ एट दैट स्पेसिफिक एंगल एंड प्री हैंड आई विल बी नोइंग हाउ मच मटीरियल इज रिक्वायर्ड इफ यू आर फैब्रिकेटिंग इट और हाउ मच लेंथ ऑफ पेज इज रिक्वायर्ड इफ यू आर ड्रॉइंग इट इन अ पेज. ठीक है, तो एंगल अगर आपको फिक्स रख रहे हो आप, तो आपके ट्राइंगल के जो साइजेस है ना, जो भी इसका इसके साथ रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो फिक्स रहेगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच, है ना, जो भी इससे डील कर रहे हैं, और रेशियो इज नथिंग बट रेशियो ऑफ टू साइड्स. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका एंगल फिक्स है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फिक्स रहेगा, मतलब दो ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स का आपस में रेशियो फिक्स रहेगा. ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द एप्लीकेशन, नाउ लेट अस सी द वैल्यू एट सम स्पेसिफिक एंगल्स. ठीक है, तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं. ठीक है, केस वन जिसमें थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्रीज. चलिए लेट्स स्टार्ट विद 45 आप निकाल सकते हैं. ठीक है, जो जो आप निकाल सकते हैं वो आपने पढ़ना है. ठीक है, तो लेट्स सी, क्या मैं 45 निकाल सकता हूँ? यस, मैं 45 डिग्री निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच दिस इज 90 डिग्रीज. ठीक है, अगर मैं ये 45 डिग्रीज बनाता हूँ तो क्या ये भी 45 डिग्रीज होगा? Yes. So if it is a right angled triangle with 190 and 145, so other will also be 45. So can I say that this is an isosceles right angled triangle?
Yes, तो अगर आप इसको x मान लेते हैं तो क्या ये भी x होगा? Yes, we have studied in 9th grade. Equal angles opposite to equal sides, so converse is also true. Equal side opposite to equal angles. अब आपके पास ये x है, ये x है, तो क्या पाइथागोरस से ये नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट टू एक्स स्क्वायर, दैट इज रूट टू एक्स बाहर आ जाएगा. तो ये वाला आपके पास हो गया रूट टू एक्स, करेक्ट? ओके, तो मैं अभी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकता हूँ? लेट्स गो फॉर दिस एंगल 45. तो मैं क्या साइन ऑफ 45 डिग्रीज निकाल सकता हूँ? या साइन ऑफ 45 इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स बाय रूट टू एक्स गेट्स कैंसिल. तो रेशियो की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2. तो x का मतलब क्या है? देखो रेशियो जब आपने निकाला इसमें x नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज इनडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वो डिपेंड करता है सिर्फ एंगल पे. तो अगर आपका एंगल फिक्स्ड है तो इसका यूज कहां होता है? अगर आपका ट्रायंगल इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो अगर आपके पास ये बहुत बड़ा ट्रायंगल है, इसमें अगर ये एंगल आपने सेम रखा, कैसे, ये वाली साइड एक्सटेंड कर ली, ये वाली साइड एक्सटेंड कर ली, तो अगर जो आपके पास नया ट्रायंगल मिला उसमें अगर ये y है मान लो, ठीक है, अगर आपके पास ये y है तो ये भी y होगा और ये रूट टू y होगा, ठीक है. तो इसका एप्लीकेशन ये है. नाउ लेट्स गो फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री. तो cos 45 डिग्री क्या होता है? देखो cos ऑफ 45 डिग्री इज नथिंग बट अगेन एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो ये भी x बाय रूट टू एक्स आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी 1/√2. अच्छा tan 45 कैसे निकालेंगे? tan इज ऑलवेज अपोजिट बाय एडजेसेंट या sin बाय cos. तो अपोजिट बाय एडजेसेंट करेंगे तो x बाय x आ जाएगा जो कि आ जाएगा 1, साइन बाय कॉस करेंगे तो 1/√2/1/√2 तो भी आ जाएगा 1. अच्छा जब आपने साइन कॉस टेन निकाल लिया, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिक, सो कोसिक ऑफ 45 डिग्रीज इज रूट टू. नेक्स्ट सीक ऑफ 45 डिग्रीज इज अगेन रूट टू, कॉट ऑफ 45 डिग्रीज इज अगेन 1, ये 1 तो ये भी 1, ठीक है. ओके नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, है ना, ये एक आपके लिए हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंगल जो आप निकाल सकते हैं, कौन से एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है. लेट्स गो फॉर द सेकंड. सेकंड आप निकाल सकते हैं 60 डिग्रीज के लिए. कैसे निकाल सकता हूं मैं 60 डिग्रीज के लिए? फॉर एग्जांपल यू टेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे एबीसी, करेक्ट. सो लेट्स टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, करेक्ट. नाउ लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन टू बीसी, और उसको हम एम बोल लेते हैं, ठीक है, लग नहीं रहा है, सॉरी फॉर द फिगर, आई मे हैव ड्रॉन इट रॉन्ग, है ना, लगना भी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है. तो लेट्स ड्रॉ द फिगर समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अब लग रहा है. नाउ लेट्स सी, सो दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ए एम इज द परपेंडिकुलर. तो ये देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 था, ये भी 60 था और ये भी 60 था, ठीक है, तो ये भी x था, ये भी x था और ये पूरा भी x था, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड लेट्स से दैट द साइड इज x. नाउ यू टेल मी, देखो ये 60, ये 90, ये 90, ये 60, और क्या मैं बोल सकता हूं ये कॉमन है? सो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया ट्रायंगल एबीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएम. अगर एबीएम और एसीएम कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बाय सीपीसीटी मैं बोल सकता हूं बीएम विल बी इक्वल टू सीएम? और क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बीएएम इज नथिंग बट इक्वल टू एंगल सीएएम? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं? तो क्या हो जाएगा, देखो ये 60 था तो ये कितना हो गया 30 डिग्रीज, और ये कितना हो गया 30 डिग्रीज. अच्छा अब BM इक्वल टू CM तो कितना, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, तो ये क्या हो जाएगा x by 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बी x by 2 एंड दिस विल बी x by 2. नाउ यू टेल मी, देखो आपको ये पता है, ये पता है, ये 90 डिग्री पता है, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं ये वाला साइड? यस यू कैन फाइंड इट आउट. कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से. क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 3x square by 4. तो ये क्या जाएगा? रूट 3x by 2. तो आपका ये साइड का लेंथ कितना आ गया? रूट 3x by 2. ठीक है? So you've got this. Now, अच्छा, इसके बाद क्या आप साइन ऑफ 60 डिग्री निकाल सकते हैं? सी यू हैव दिस साइड, यू हैव दिस साइड, यू हैव दिस साइड, सो यू हैव ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. लेट्स फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू. तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री. व्हाट इज साइन 60? दैट इज अपोजिट. तो कितना लिखा हुआ है? रूट 3 by 2x अपॉन hypotenuse, that is x, x x gets cancelled, तो आपका value आ जाएगा root 3 by 2. Next, let's go for cos 60 degrees. What is cos 60 degree? That is opposite, that is sorry, adjacent by hypotenuse. तो क्या आ जाएगा? x by 2 by x. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा
1 by 2. Let's go for tan of 60 degree. Now what is tan of 60 degree? That is opposite by adjacent. So yahan se aa jayega root 3 by 2x upon 1 by 2x. So yahan se x x cancel, 2 2 bhi cancel, to aa jayega aapka answer root 3. So if you have sine cos 10, can you find out the reciprocal? The cosec of 60 degree will be 2 by root 3. Next, sec of 60 degree will be 2. Cot of 60 degree will be 1 by root 3. ठीक है, तो आपने 60 degree के लिए भी सब trigonometric ratio निकाल लिए. अब देखो, एक ही question में अगर आपने 60 के लिए निकाला है, तो आप 30 के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो 30 degree के लिए भी निकाल लेंगे. हाँ, now you will be asking me एक question, ये भी बच्चों का usually पूछते हैं मुझसे कि sir, do they ask this in the examination? Yes, they do ask. ठीक है, और previous board examination में एक question आया हुआ है. ठीक है, the question was find the value of sine 60 degree geometrically. ठीक है, जब मैं बोर्ड के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन भी होगा. ठीक है, नो नीड टू बी स्केर्ड, एवरी बोर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग इन टू अकाउंट, है ना. मैं हर एक बोर्ड क्वेश्चन जितना पॉसिबल है उतना मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ और सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना. बट ये पार्ट पूछते हैं, ठीक है, डेरिवेशन पूछते हैं. दे आस्क find the value of sine 60 degree geometrically, find the value of cos 30 degree geometrically. ठीक है, तो geometrically आप कैसे निकालेंगे, ये geometric method of solving है. ठीक है, note this down, है ना. then we'll be going for 30 degree also. देखो 30 degree इसी triangle के अंदर ही है, तो आपको कुछ और triangle assume करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और figure बनाने की जरूरत है. from here itself we can count it and we can solve for 30 degrees. okay, note this down, then we'll be going for the next part.